अभिनेत्री वीना मलिक ने अपनी आने वाली मूवी जिंदगी 5050 के लिए बोल्ड फोटो शूट आउट कराया है। जिंदगी 5050 को राजीव रुइया डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी में काले रंग की बिकनी पहनकर वीना मलिक काफी हॉट लुक में दिखेंगी। न सिर्फ काले रंग की बल्कि वीना मलिक ने गुलाबी रंग की बिकनी में भी सनसनी फैलाने की तैयारी कर ली है। मूवी जिंदगी 5050 में वीना मलिक एक सेक्स वर्कर की भूमिका में दिखेंगी, यही उन्होंने इस फोटोशूट में भी दिखाने की कोशिश की है। वीना की भूमिका किसी हाई प्रोफाइल वेश्या वाली नहीं है, जैसे कि बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियां निभा चुकी हैं। इस मूवी में वीना मलिक के किरदार का नाम माधुरी है, जो रेड लाइट एरिया का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि वीना मलिक ने इस भूमिका से न्याय करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। वीना मलिक ऐसी जगहों पर गई और उन लड़कियों से भी मिली जो इस धंधे में एक्टर है, कि इस भूमिका के लिए वीना मलिक ने वेश्याओं की बॉडी लैंग्वेज से लेकर बोलचाल तक को ऑब्जर्व किया। डायरेक्टर राजीव रुइया ने भी वीना मलिक को इसे लेकर काफी मदद दी। इस मूवी के अलावा वीना मलिक के पास बॉलीवुड की एक और फिल्म भी है। वीना मलिक बॉलीवुड की मूवी द सिटी दैट नेवर स्लीप्स में भी अपनी अदाएं दिखाती नजर आएंगी। मूवी द सिटी दैट नेवर स्लीप्स के प्रोड्यूसर सतीश रेड्डी है। नाइट लाइफ पर बनी मूवी द सिटी दैट नेवर स्लीप्स का निर्देशन हारून राशिद कर रहे हैं। वीना मलिक ने इस फोटोशूट पर कहा कि मैं सेक्सी बिकनी में शूटिंग करना पसंद करती हूं। वीना ने कहा, यह फोटोशूट मेरे तमाम फोटोशूट्स में से सबसे बोल्ड होगा। माधुरी के किरदार के लिए यह बोल्ड से ज्यादा रियलिस्टिक होगा। वीना मलिक ने बताया कि जिंदगी 5050 एक सच्ची कहानी पर आधारित है। वीना ने कहा, मैंने इस फिल्म के लिए अपना 100% से ज्यादा देने की कोशिश की है।